तो वेलकम बैक टू गाइस। तो हम चले थे गाजियाबाद से मुरथल हवाई अड्डा या अमरीक सुखदेव के लिए, और यहाँ पर हम आ चुके हैं लास्ट वाले टोल टैक्स पर, कि जहाँ पर काफी भीड़ भाड़, काफी रश, काफी जाम लगा हुआ है और गाड़ियाँ पीछे बैक हो रही हैं। देखते हैं अब क्या होता है आगे टोल में। ये देख सकते हैं आप टोल टैक्स, जो भी गाजियाबाद मुरथल के लिए जाएंगे यहाँ पर आपको 100 रुपये का टोल टैक्स देना होगा और दुहाई से चढ़ने की पर्ची दिखानी होगी। तो अब ये देखिए गाइस कि ये गाड़ियां बैक हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनका जो फास्ट टैग है वो ब्लॉक है, इनके फास्ट टैग ब्लॉक है और ये गाड़ियां पीछे कर रहे हैं। हमें भी शायद, मुझे लग रहा है सुबह की अपनी गाड़ियां हमें पीछे करनी पड़ेंगी ना, हमें अपनी गाड़ियां पीछे। ये भाई ऐसी रात में पी के चलाते हैं और कुछ नहीं, पीछे वालों को भी नहीं देखते। ये व्हील सेफ डिसाइड कांट लगाऊंगा, व्हील सेफ बी लाइफ सेफ राइड। तो इन लोग ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, गाड़ी टकरा सकती है, गाड़ी बैक हो रही है, और खुद भी बच सकती है इनकी। वैसे हम 5-6 जने हैं, बचा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा रास्ते में ऐसा करना बेहतर नहीं होगा। ये वैसे तो लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ गाड़ी बढ़ाओ कहीं नहीं है। तो अब देख रहे हो ये इस तरह से किस तरह से बैक कर रहा है, अनलीगल तरीके से, जबकि इसने हमें बताया भी नहीं कि बैक करनी है। बैक कर रहा था हमारी गाड़ी से जो टच हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही हम अलर्ट थे और हमने अपनी गाड़ी बैक कर ली। तो फाइनली गाइस वो जो हमारे आगे गाड़ी वाला था उसका जो फास्टैग ब्लॉक था वो पीछे बैक करके साइड हो गया है। अब हम आए हैं, देखते हैं कि हमारा जो हमने जो रिचार्ज कराया फास्टैग में वो ब्लॉक है या नहीं। वैसे तो ऑनलाइन पेमेंट होती है और ये सक्सेस हो गया भाई, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सक्सेस होगा, लेकिन हमने काफ़ी समय पहले जो रिचार्ज करा दिया था तो साहब वो अब अपडेट हो चुका है और अब हम जो है आगे की जर्नी के लिए निकल चुके हैं। ये लास्ट पड़ता है, हाँ, अब हम जो है आपको आगे का ब्यौरा दिखाएंगे और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो वेलकम बैक टू गाइस, कि हम जो है दिल्ली न्यू कोंडली वाले कट से नीचे उतरे हुए हैं। आप भी ध्यान रखें, कभी मुरथल आए गाजियाबाद से या फरीदाबाद से या कहीं से भी, तो दिल्ली न्यू कोंडली वाले कट से नीचे उतरे और आपको सर्विस लाइन पकड़नी है, कभी हाईवे पे ना जाए। हाईवे पे जाओगे तो आगे आपको यू टर्न बहुत लंबा मिलेगा, और अगर आप नीचे से सर्विस रोड से जाएंगे तो आगे यू टर्न आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यू टर्न लेने के बाद हमें राइट जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये करनाल हाईवे, इसको बोलते हैं करनाल हाईवे, ये करनाल हाईवे है। और बाकी आप देख ही रहे हैं बरसात के कारण जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है। किंग स्टार होटल है इसका नाम, बारिश हुई है, काफी जगह पानी भरा हुआ है ऑन रोड, गाड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेफ जर्नी होनी चाहिए। और ये यू टर्न आया है, पहला यू टर्न करनाल हाईवे पर आने के बाद जब हम पैरी खेल से उतरे हैं तो पहला यू टर्न आया है सर्विस रोड से, कि हम इसे राइट उतरेंगे, राइट होंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमें जो है राइट मुड़ना है, राइट मुड़ने के बाद हम करनाल की तरफ चलेंगे, करनाल सोनीपत पानीपत की तरफ चलेंगे। करीब लगभग 15 मिनट की ड्राइव करेंगे, 15 से 20 किलोमीटर के आसपास की, और हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, जो हमने डेस्टिनेशन तय की हुई है, हवाई अड्डा मुरथल हरियाणा। तो आप देख सकते हैं यू टर्न ले लिया है हमने और अब हम सीधे जो है चल दिए हैं, लगभग 15 मिनट की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे और आप हमारे साथ सीधे से लगातार बने रहिए, हम आपको आगे का व्यू लगातार दिखाते रहेंगे। वेलकम बैक टू गाइस, कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज्यादा करीब है और अभी हम चल रहे हैं करनाल हाईवे पर, जिस हाईवे पर चलने का मजा अपने आप में बहुत अधिक होता है। और आप देख सकते हैं शिमला जाने वाले, मनाली जाने वाले, चंडीगढ़ पंजाब जाने वाले इसी हाईवे को क्रॉस करते हैं और इसी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, और इस हाईवे का जो मजा है अपनी लाइफ में एडवेंचर की तरह होता है। आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं हवाई अड्डा जो कि हमारे बहुत नजदीक है और हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वहाँ के सारे व्यूज और सारे नज़ारे और सारा जो है एंजॉय पार्टी है वहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको, और आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। आप देख सकते हैं ये है करनाल हाईवे, करनाल हाईवे जैसे पैरी खेल से आप उतरते हैं, लगभग आपको जो है यू टर्न लेने के बाद 12 से 13 किलोमीटर चलना पड़ता है, जहाँ पर आपको अमरीक सुखदेव हवाई अड्डे जैसे रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली वाले लोग आते हैं और इन्जॉय करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, अपनी बर्थडे पार्टी करने के लिए। तो हम वही चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप भी अगर अपने परिवार में गाइड
आप अपने बच्चे का, अपनी बहन का, अपनी माँ का, आप कोई भी अगर सेलिब्रेशन करना है तो आप यहाँ एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आने का एक अनुभव अलग होता है अपनी फैमिली के साथ। खाना कमाना तो लगा रहता है और आप देख सकते हैं, देखिए इस हाईवे का चलने का जो नज़ारा है वो कितना अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हालांकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट थी, काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ता था, रश बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, अब वो जो है काफ़ी नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त पीछे हंस रहे हैं, खैर कोई नहीं भाई, इंजॉय लेता आदमी, इंजॉय करने के लिए आता है तो भाई हंसी खुशी आपको जो इंजॉय करना चाहिए, इंजॉय का मतलब ही हंसी खुशी से डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं करनाल हाईवे से हम जब अभी नीचे उतर चुके हैं सर्विस रोड पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ढाबे हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन रिसोर्ट, मन्नत हवेली, और आप देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर भी है, मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर, और आप देख सकते हैं पार्क प्लाजा, गुलशन ढाबा, मन्नत, बहुत अच्छे अच्छे ढाबे आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आए एक बार जरूर यहाँ पर बैठकर खाना खाएं। और मन्नत 24, ये भी मन्नत 24 मूर्थल की जान है भैया, ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर आए देख सकते हैं आप गाड़ी का भीड़ भाड़ रस कितना है यहाँ पर, कि एक एक ढाबे पर कम से कम 200-400 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 10-20 सिक्योरिटी गार्ड साइड लगाने वाले जो खड़े हुए हैं। इसकी अपनी, इस जगह की अपनी ये खास बात है कि ऑल ओवर से NCR अपने लिए सेलिब्रेशन मनाने के लिए यहाँ आते हैं। और आप हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर कैमल खड़ा हुआ है, ऊँट खड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों को आप इस पर बैठा कर एक राइड करा सकते हैं, कैमल राइड, हर बच्चे की शान और जान होती है। आहूजा, UGA, झिलमिल ढाबा, मशहूर झिलमिल ढाबा, हरियाणा का झिलमिल ढाबा, शायद अखबारों में या सोशल मीडिया पर आपने देखा भी हो, ये वही इसकी एक छोटी ब्रांच है झिलमिल ढाबा। हालांकि इस रोड पर तो काफ़ी सारी ब्रांच है झिलमिल वालों की, लेकिन ये ब्रांच आपने आप में खास बात ये रखती है क्योंकि ये मूर्थल में पड़ती है, और मूर्थल जो है सेलिब्रेशन बनाने वालों की जान है। आप देख सकते हैं लाइट डेकोरेशन कितना बेस्ट है, झिलमिल ढाबा, ये देखिए ये है झिलमिल ढाबा। और इसी राइड पे हम चलते रहेंगे तो तेजस, हरी ढाबा, अमरीक सुखदेव फ्लाया, और ये हवाई अड्डा, मतलब जिसकी डिस्टेशन गरम धर्म तो आगे पड़ता है वो थोड़ा हवेली भी आगे हवेली इधर साइड में पड़ता है, इधर हाँ राइट हैंड पे पड़ता है, ये मदन वाला है, ये मदन वही है जो गाजियाबाद में भी इसकी एक ब्रांच है, हमारे शहर में भी, हमारी सिटी में अपनी सिटी में ब्रांच है। और बस दिल खुश हो जाता है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर ना फैमिली जो ज़्यादा पड़ते हैं, और फैमिली के साथ जरूर आए, आपका दिन मंगल में होगा सेलिब्रेशन करने के लिए। ओके तो हेलो वेलकम बैक टू गाइस, कि गन्नौर और समालखा पानीपत वाला जो हाईवे है उसकी सर्विस रोड पे हम हैं, और हमारी जो डेस्टिनेशन थी हवाई अड्डा, उस रेस्टोरेंट पर हम आ चुके हैं अपने भाई का सेलिब्रेशन करने के लिए। तो ये देखिए आपको बेस है आपके सामने हवाई अड्डा, दिखाइए पूरी वीडियो दिखाइए, हवाई अड्डा, हवाई अड्डे पर आने का अपना एक अलग इंजॉय है, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और अपने यारों दोस्तों के साथ आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, अपनी रिश्तेदार के साथ आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो गाइड डेस्टिनेशन करते हुए मिलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी जगह होती है, आप अपनी बाइक, अपनी गाड़ी या जो है पार्क कर सकते हैं। ये देखिए ये हवाई अड्डा, हवाई अड्डा इसलिए नाम है इसका क्योंकि यहाँ पर जो है, ये हम आपको दिखा देते हैं, हवाई जहाज की तरह यानी एरोप्लेन की तरह, यहाँ पर जो है एरोप्लेन की तरह रेस्टोरेंट मिलता है, और इस रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं बैठ के, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है ये, आप देख सकते हैं। दिखाना जरा आगे की वीडियो भी दिखाते हैं अंदर जाने के बाद कि हम एरोप्लेन के अंदर किस तरह से जाते हैं। तो वेलकम बैक टू गाइस, देख सकते हैं आप हवाई अड्डा मूर्थल हरियाणा हम आ चुके हैं, और उस रेस्टोरेंट का व्यूज देखिए, इस रेस्टोरेंट में दो एयरप्लेन जो है एरोप्लेन बनाए गए हैं, इनके अंदर बैठकर खाना खाना होता है, और वहाँ की पर्ची कटती है 100 रुपये की, आप 100 रुपये की पर्ची कटा सकते हैं, ऊपर डीजे पर डांस कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, और इसके अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं। और इसके अंदर बैठकर खाना खाने का जो इंजॉय होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन क्या है, लाजवाब डेकोरेशन है, दिल हमारा भी खुश हो रहा है, तो शायद आपका भी दिल खुश हो रहा होगा। अब आपको दिखाते हैं उस समय के बाद इसके अंदर का व्यू, देखते जाइए।
यही है, यही है सो। छोटू आजा, आजा। अरे तू हम खड़े होंगे यार, आ जाओ चल। सुन एक चीज बताऊं तुझे, गाइडलाइन तुझे तुझे ना तो इसकी तरफ देखना ना मेरी तरफ देखना है, तुझे सिर्फ ऐसा करना बस। रुक जा देखना। अरे बढ़िया बनाएंगे, हमारे यहाँ बनाए ना पहले भी। हो गए भैया, पैर के नहीं आगे, पैर के नहीं आगे, पैर के आए तो बता रहे तुम भैया। हो गए ना Ladies and gentlemen, this is the last track of the evening. Ladies and gentlemen, this is the last track of the evening. मेरे घड़ी काम आना चोर।
ओ सिलेंडर का सिलेंडर के बाद में सिलेंडर का